हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं प्याज से बहुत ही नई व टेस्टी रेसिपी। आज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और ये बिल्कुल ही फ्री है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। ये जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं ना, वो इतनी टेस्टी है कि अगर आप एक बार देखेंगे ना तो इसे ज़रूर बनाएंगे और बनाने के बाद जब खाएंगे ना तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए देखिए, मैंने 5 से 7 प्याज लिए हैं, उनको मैंने छील कर धो लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। और आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं और हम इसको रफली चॉप कर लेंगे। इसको कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि किसी शेप में काटना, आपको रफली चॉप। जब आप इसको चॉप कर रहे हैं ना तो इसकी जो ऊपर का जो साइड ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, वाइट पोर्शन, जो इसका टेस्ट बिल्कुल गंदा होता है, उसको आप हटा दीजिए। और उससे उससे क्या होता है कि सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है। बाकी सब कुछ जैसे मैंने चॉप किया वैसे आप चॉप कर लीजिए। तो देखिए मैंने चॉप कर ली है और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो देखिए मैंने इस आगे के प्रोसेस के लिए एक कढ़ाई है, मैंने गैस पे चढ़ा दी है। और देखिए 1 चम्मच मैंने तिल डाला है, ये टेबल स्पून है, और ये बड़ी वाली चम्मच जो होती है वो है। और 1 चम्मच मैंने साबुत जीरा डाला है, ये सफ़ेद वाले तिल हैं, आप जो मिक्स वाले होते हैं वो भी ले सकते हैं। और 1 सूखी लाल मिर्च डाली है और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे, अच्छा रोस्ट कर लेंगे कि हमारे तिल भी क्रैक हो जाए। और देखिए मैंने रोस्ट करके उनको ठंडा होने के लिए अलग रख लिया है। और देखिए फिर वापस से मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और उसमें 2 चम्मच लगभग मैंने ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं लिया मैंने ऑयल। तो देखिए ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा ना तब हम इसमें 1 चम्मच जो ये उड़द दाल है ये डालेंगे, और ये 1 टेबल स्पून है ना कि टीस्पून। और 1 चम्मच मैं चना दाल डालूंगी इसमें और इसको हम गोल्डन ब्राउन तक सेक लेंगे, मतलब फ्राई कर लेंगे एक तरह से। तो इस जब फ्राई हो जाएगी गोल्डन ब्राउन तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गई है। और इसमें मैंने 5 से 6 करी लीफ डाली हैं, आप इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं करी लीफ को। तो ये देखिए, और इसमें मैंने 2 से 3 कलियां लहसुन की चॉप करके डाली हैं, ये आप स्किप भी कर सकते हैं अगर पसंद नहीं करते लहसुन का टेस्ट तो। और देखिए मैंने जो प्याज थे ना मैंने चॉप करके रखे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और हम इनको ना बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन पकाना नहीं है, हमें प्याज को सिर्फ इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। बस हम हिला के इसको बस थोड़ी देर इसको इतना पकाएंगे कि जो प्याज का कच्चापन होता है ना वो हट जाए, कच्चा टेस्ट हटाना, बस इतना ही हम इसे पकाना है। अभी कुछ ही मिनटों में पक जाता है और इसको ढक के या बहुत लंबा टाइम नहीं पकाना, कुछ सेकंडों में मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर पक जाता है। और देखिए मैंने लाल मिर्च डाला है, आप इसको अपने हिसाब से तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच डाला है और 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, मतलब ये छोटी चम्मच है ना इसलिए, अदरवाइज आप बड़ी लो तो आधी लेना। बस हल्दी तो हमें कलर के लिए लेनी है। और देखिए हम थोड़ा सा इसको हल्का सा और पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, बस मसाले पक जाए। और देखिए मैंने इसको ठंडा कर लिया है, गर्म नहीं, ठंडा करके मैंने देखिए मिक्सर जार में डाल दिया इसको। ठंडा करने के बाद ही हम इसको ग्राइंड करेंगे और जो हमने जो मसाले सेके थे ना सूखे मसाले उनको इसमें डाल दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने ली है वो इमली है, और ये इमली का गूदा है, मैंने बीज हटा दिए थे और इसमें थोड़ा सा मैंने इमली का पल्प डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाल दिया है। इमली की जगह आप आमचूर पाउडर ले सकते हैं, अगर आम का सीजन तो कच्चा आम ले सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर अपनी अपने रिक्वायर के हिसाब से इसको ग्राइंड कर लेंगे, जितने हमको मतलब गाढ़ा खाना है पतला खाना है, मैंने अपने हिसाब से रखा है इसको, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल महीन करना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट टाइप में करना है आपको। और देखिए ये रेडी है बिल्कुल, और मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है जार से। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सिंपल रेसिपी, एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए मीठे के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें गुड़ ऐड करा है, अगर आप मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मुझे थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट चाहिए था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा ऐड करा है, गुड़, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे गुड़ से इसका। तो देखिए मैंने इसमें मिक्स कर लिया है, आप चाहे तो इसको ग्राइंड करते वक्त भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा भूल गई थी उस वक्त। और देखिए मैंने वापस से एक फ्राई पैन चढ़ाया है गैस के ऊपर,
और इसमें मैंने एक चम्मच बड़ा चम्मच के लगभग मैंने ऑयल डाला है, ये सरसों का तेल लिया है मैंने, और इसको हम थोड़ा तड़का लगाएंगे। तो तड़का हम इसमें राई और जीरे का लगाएंगे, और जब ये क्रैक हो जाए तड़क जाए तो इसमें हम करी लीफ डालेंगे 5 से 6। तो देखिए जीरा और राई हमारे काफ़ी अच्छे तड़क गए, तो हम इसमें करी लीफ डाल देते हैं, और थोड़े से मैंने ऑनियन चॉप करे थे छोटे से अलग, बिल्कुल कम, और हल्के से भी इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा डाला और गैस गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, और हल्का सा गैस जो ऑयल है ना उसका टेम्परेचर कम हो जाए तो इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। ये सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा चटनी का। और देखिए मैंने इसको चटनी के ऊपर डाल दिया है, और थोड़ा सा चम्मच को हल्का सा, मतलब चटनी को हल्का सा नीचे ऊपर करके इसको हल्का सा तेल को अंदर तक जाने दे, इससे क्या होगा कि पूरा जो चटनी में पूरा इस ऑयल का फ्लेवर है ना चारों तरफ हो जाएगा, अच्छे से फैल जाएगा। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही प्यारी टेस्टी चटनी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। आप इस चटनी को रोटी के साथ, पराठे के साथ, राइस के साथ, इनके साथ यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और हाँ, आपके कोई भी सुझाव हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।